हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉकडाउन होम स्कूलिंग। आज का टॉपिक है नर्सरी के बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखना कैसे सिखाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिखाने से पहले बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व्स, स्लैंटिंग लाइन, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि आप बच्चों को बोलते हो कि ड्रॉ 1 स्लिपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट ड्रॉ 1 स्लैंटिंग लाइन, इसके बाद अगर बच्चा आपका अच्छी तरह से लाइंस ड्रॉ कर पाता है तो उसके बाद ही आप बच्चों को नंबर्स लिखाना स्टार्ट कर सकते हो। लाइन के प्रैक्टिस करने से ही बच्चा नंबर्स को अच्छी तरह से लिखना सीखेगा। सारे लाइंस और कर्व के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आप बच्चे से प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ ले सकते हो, जिससे बच्चे के फाइन मोटर स्किल अच्छे होंगे। अगर आपने हमारा प्री राइटिंग एक्टिविटी का वीडियो देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ चेक कर सकते हो। जब भी आप बच्चों को नंबर्स लिखवाना इंट्रोड्यूस करवाते हो तब आपको ऐसे बड़े बुक्स वाली नोटबुक यूज़ करनी है। अगर आप छोटे बुक वाली नोटबुक यहाँ पे यूज़ करते हो तो बच्चे को कन्फ्यूजन होगा और वो लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। एक बार बड़े बॉक्स के नोटबुक में बच्चा अगर ठीक तरह से नंबर लिख पाता है तो आप धीरे धीरे उसको स्मॉल बॉक्स वाली नोटबुक इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। नोटबुक में आप एक तो डॉट्स निकाल सकते हो या लाइन निकाल सकते हो, पर आपको एक ही फॉर्मेट एंड तक फॉलो करना है। उसके साथ साथ आप हर दिन नोटबुक पर डे और डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि बच्चा कितने दिन में नंबर्स लिखना सीख रहा है। मेरी बेटी को मैंने डायरेक्टली नोटबुक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसको 1-2 मंथ्स तो लाइन कर्व की प्रैक्टिस मैंने करवा के ली थी। ट्रेसिंग के लिए आप बच्चे को पेपर पर लाइंस बना के दे सकते हो और उसके बाद बच्चा सेम लाइंस को ट्रेस यहाँ पे करेगा। हर रोज़ सिर्फ दिन में एक ही बार बच्चे से आपको ये प्रैक्टिस करवा के लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पेज के ऊपर मेरी बेटी को लाइंस दिए थे और वो उसको ट्रेस करती थी। इसके अलावा आप A4 साइज़ पेपर पर नंबर्स लिखकर उस पेज को एक फाइल प्रोटेक्टर शीट में डालकर बच्चे को पेजेस प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। फाइल प्रोटेक्टर शीट यूज़ करने से पेजेस ख़राब नहीं होते और वो रियूजेबल भी रहते हैं। जैसे कि ट्रेस करने के बाद आप इसको इजीली रफ कर सकते हो। इस तरह से शीट को आप फिर से यूज़ कर सकते हो। फिर उसको मैंने ये बॉक्स वाली नोटबुक इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया था। मैंने एक साइड में नंबर्स लिखे थे और दूसरी साइड में यहाँ पे लाइंस निकालती थी और उसको ट्रेस करने के लिए देती थी। डॉट या लाइन निकालने से बच्चे इजीली नंबर्स लिख पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर लिखा है, तो मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो यहाँ पे 1 ड्रॉ कर रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइंस निकालना बंद किया था। उसके बाद वो 2 और 3 भी विदाउट लाइन यहाँ पे लिख पाती थी। फिर मैंने उसको पूरे लाइंस निकालना बंद किया था। जहाँ पर उसको सिर्फ कन्फ्यूजन रहता था तो उस पर्टिकुलर नंबर के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन निकालती थी और उसके बाद वो सारे नंबर्स विदाउट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर पा रही थी। इस तरह स्टेप वाइज प्रैक्टिस करने से बच्चा नंबर्स राइटिंग लिखना सीख सकता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।